राम राम। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे सुबह की पांच ऐसी आदतें जो कि आपको और एक्टिव रखेंगी दिन भर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है क्योंकि वहाँ पे भी हम शॉर्ट वीडियोस बहुत बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अलार्म सेट नहीं करना है। देखो, हमारी बॉडी एक साइकिल पर काम करती है, वो साइकिल नहीं जो तुम चला रहे हो 32 इंची वाली, वो साइकिल जो अंदर से चलती है। उसका मतलब क्या होता है, बॉडी अपने आप सारी चीज़ें फंक्शन करती है। सबसे पहली चीज़, अलार्म सेट नहीं करोगे इसका मतलब ये है जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी तो आँखें आपकी अपने आप खुल जाएगी। अब आँखें एक बार जब खुल गई तो उसके बाद अगर तुम ज़बरदस्ती सो रहे हो वो तुम्हारी मक्कारी है, उसके ऊपर नहीं कह रहे, लेकिन अगर तुम्हारी आँख खुल गई है इसका मतलब नींद पूरी हो चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया हमें सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो अगर आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है तो रात में 9 बजे सो जाओ। ठीक है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको कि आपकी अगर स्लीप कंप्लीट पूरी नहीं हुई तो यकीन मानो पूरा दिन तुम्हारा इसे बेकार चला जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सो जाओ, अलार्म सेट मत करो, नींद डिस्टर्ब होती है उससे। दूसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, सुबह उठते ही स्ट्रेचिंग, योगा, अंगड़ाई। अब देखो क्या होता है कि आजकल जो हम लोग सो रहे होते हैं क्या पोजीशन होती है अपनी बेड पे, इधर तो अपने हाथ कहीं जा रहे हैं, पैर कहीं जा रहे हैं, पता नहीं अंगड़ाई लेट, मतलब गर्दन अकड़ गई, शरीर अकड़ गया, होता है ये सबके साथ होता है क्योंकि हम लोग का लेटने का तरीका ही ऐसा है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं सीधे एकदम स्ट्रेट लेटे रात भर, नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, जब भी सुबह उठते हो तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अगर वो नहीं कर रहे हो सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है, तो सुबह जैसे ही बेड से उठते हो तो अंगड़ाई लेनी है। अंगड़ाई का मतलब ये है बॉडी को जितना स्ट्रेच खींच पाओ उतना खींचो, चाहे जैसे बहुत सी तरीके होते हैं कि ये जैसे भी करना चाहो, एक स्ट्रेचिंग या अंगड़ाई सुबह सुबह 2 मिनट में हो जाता है पर्याप्त। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में जो टेंशन क्रिएट हुआ है रात भर, जो तुमने अपनी बॉडी इधर उधर करके नागिन डांस करके बनाया है, वो ठीक हो जाएगा, जिससे कि तुम्हें दिन में इतने दर्द नहीं रहेंगे, जो गर्दन में दर्द ये सब बने रहते हैं वो सब नहीं होंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, जब भी तुम सुबह सो के उठते हो कोशिश किया करो, ये देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि लोग इतना नहीं ध्यान पे पाते हैं, लेकिन कम से कम कोशिश कर सकते हो, सुबह 20 मिनट का सन एक्सपोजर अगर आपको मिल जाए, अगर मिल जाए तो, नहीं 20 मिनट हो पा रहा है 5-10 मिनट भी चलेगा। सन एक्सपोजर का मतलब ये होता है सुबह 8 या 9 बजे के पहले, मतलब 10 बजे के पहले की जो सनलाइट होती है वो आपकी बॉडी में डायरेक्ट पड़नी चाहिए। आप सनग्लासेस नहीं पहने हो, आप किसी भी तरीके का इस तरीके की चीज़ नहीं पहने हो, टेंशन मत लो, आँखों की रोशनी नहीं जा रही उससे। ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो इंक्रीज होता है जब तुम सन एक्सपोजर में आते हो, जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल हार्मोन है, और तुम्हारी जो स्किन की क्वालिटी है वो बेटर होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है, सेक्स लाइफ इंप्रूव होती है। तो सन का एक्सपोजर सुबह 10 बजे के पहले। ठीक है, चौथी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, 1 गिलास पानी। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे हल्दी धनिया पुदीना जीरा डाल के सुबह पानी गर्माओ, नहीं, नॉर्मल 1 गिलास वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर आप जब भी सोते हो वहाँ पे रखो और सुबह उठते ही पी लो। ठीक है, तो वो जब 1 गिलास तुम पानी पियोगे तो उससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, साथ ही साथ वो टॉक्सिन्स तो बाहर जाएंगे ही, और उसके साथ साथ एक चीज़ और होगी जिससे कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। ठीक है, तो चौथी चीज़ तुम्हें क्या करनी है, 1 गिलास पानी। अब ये पानी गर्म है ठंडा है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप पियो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चौथी चीज़ समझ में आ गई। पाँचवीं चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सुबह सुबह देखो क्या होता है कि जब सुबह उठते हैं तो हमारा एकदम खाली पेट होते हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए होती है इंस्टेंट एनर्जी, जिसके चक्कर में हम लोग किचन में जो रखा रहता है, बिस्किट जीरा पता नहीं क्या क्या रखा रहता है, मिठाई भी रखी होती है, वो भी सुबह सुबह होंक लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी को सुबह सुबह क्रेविंग होती बहुत भयंकर, और खासकर शुगर की, क्योंकि जब भी आपको भूख लगती है तो शुगर की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह सो के उठते हो तो 1 केला खा सकते हो, केले में आपको विटामिन B6 भी मिल जाता है, बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको इंस्टेंट एक एनर्जी मिल जाती है। तो पांचवा काम क्या करना है, सुबह सुबह 1 बनाना पर्याप्त है आपके लिए, और ये 5 चीज़ें आप डेली फॉलो करो, आप अपनी लाइफ में एक ड्रेस्टिक चेंज देखोगे। नींद पूरी हो रही है, सनलाइट मिल रही है तुम्हें, सुबह सुबह एनर्जी भी मिल रही है, सुबह सुबह तुम एक्टिव भी हो रहे हो, तो सारी चीज़ें तुम्हारी हो रही हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।